हेलो फ्रेंड, नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारे हिस्ट्री न्यूज चैनल पर सभी सहारा निवेशक साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए सहारा की एक लेटेस्ट जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे कि क्यू शॉप में फंसे पैसों के लिए सभी निवेशक परेशान थे और उनकी परेशानी इस कदर बढ़ गई थी कि वे अगर सहारा कार्यालयों पर जाते थे तो वहाँ के मैनेजर वगैरह उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज है वो खास, बहुत खास न्यूज है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि निवेशकों ने अब उपभोक्ता फोरम का सहारा ले लिया है और उपभोक्ता फोरम में उनके खिलाफ 120 गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। दोस्तों, पूरी खबर क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट में सेबी के साथ चल रहे केस की आड़ में 4 से अधिक कंपनियों के निवेशकों का पैसा रोकने वाले सहारा ग्रुप के खिलाफ अब इन्वेस्टरों को उपभोक्ता फोरम का सहारा लेना पड़ रहा है। देश भर के अन्य शहरों की तुलना में सहारा ग्रुप के खिलाफ सबसे अधिक 120 से ज्यादा केस ग्वालियर उपभोक्ता फोरम में लगाए गए हैं और इन केसों की ओरिजिनल ब्रांच मैनेजरों के खिलाफ 50 से अधिक जमानती व गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। ऐसे में स्टाफ इन कार्यालयों से नदारद है और अब जिले के अधिक से अधिक कार्यालय अब बंद होने की तैयारी पर हैं। और सहारा सुप्रीम का कहना है, यानी कि सुब्रत राय का कहना है कि यह सही है कि उपभोक्ता फोरम में हमारे खिलाफ केस लगे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे देनदारी निपटा रहे हैं। कुछ कारणों के चलते कार्यालय बंद किए जा रहे हैं, लेकिन हम सभी लोगों का ब्याज सहित पैसा वापस करेंगे। इस संबंध में आगामी 20 अप्रैल को ग्रुप मीटिंग भी रखी गई है और हम जल्द से जल्द सभी लोगों का पैसा वापस देंगे। धीरे धीरे दे रहे हैं और देते रहेंगे। हमारे सम्मानित निवेशक साथियों, आप अपना संयम बना कर रखें। दोस्तों, ऐसा कुछ आश्वासन श्री सुब्रत राय ने दिया है। दोस्तों, केस में 50 लाख की देनदारी वर्तमान में सहारा ग्रुप के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में चल रहे केसों में 50 लाख से अधिक की देनदारी है, लेकिन ये सिर्फ वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया है। और आगे की जानकारी है कि ये सिर्फ उन लोगों का, मैंने अभी आपको पैसा बताया जिन लोगों ने उपभोक्ता फोरम का सहारा लिया है, लेकिन इससे अलग लगभग 100 गुना, यानी कि 100 गुना की संख्या में उन लोगों की है। दोस्तों, 100 गुना से ज्यादा संख्या उन लोगों की है जिन लोगों को जानकारी ना होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के केस का फैसला होने की राह देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो लोग देख रहे हैं जिन लोगों को अधिक जानकारी नहीं है और जो बहुत कम पढ़े लिखे और ज्यादा जानकार नहीं है, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ही मुख देखना पड़ रहा है और वो चाहते हैं कि हमारा पैसा जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, 100 गुना की संख्या उन लोगों की है जो लोग कम जानकारी के अभाव में सुप्रीम कोर्ट की राह देख रहे हैं और 50 लाख से अधिक की देनदारी उन लोगों की है जिन लोगों ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया है। तो दोस्तों, ये सहारा से रिलेटेड थी जानकारी जो लेकर आए थे हिस्ट्री न्यूज टीवी वाले। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जानकारी रेगुलरली चाहिए तो उसके लिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे हिस्ट्री न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि हम जो अगली वीडियो आपको देंगे वो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, इसी के साथ यह स्थान आपसे लेता है इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।